अंधेरी का सबसे बड़ा गरबा है और मुझे तो लगता है कि मुंबई का सबसे बड़ा गरबा होगा। और जितने भी अंधेरीकर हैं, मुंबईकर हैं, सबको मेरी ओर से सबको न्योता है, सबको मैं इनवाइट करती हूँ कि इस नवरात्रि में आइए, आपको सब आप सबको बाकी सब नवरात्रि से कुछ अलग दिखने को यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले हम अपनी संस्कृति को ध्यान में रखेंगे, साथ साथ में अपने ट्रेडिशनल गरबा और हमारे जितने युवा धन हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा आयोजन किया है। और मुरजी काका ने ये गरबा अंधेरी वासियों के लिए, मुंबई वासियों के लिए किया है, तो जितने भी अंधेरी वासी हैं उन सबके लिए गरबा आपका खुद का है। मुरजी भाई इसमें अपनी ओर से सेवा दे रहे हैं और ये नवरात्रि आपकी है, आपको ही इस नवरात्रि को हिट बनाना है। मुरजी भाई आपसे जानना चाहूँगा, पहली बार ये गरबा होने जा रहे हैं और गीता बहन को आप ऑन बोर्ड लाए, थोड़ा सा बताइए किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं और क्या होने वाला है इस बार, कितनी एक्साइटमेंट होने वाली है? गीता बेन गीता बेन मेरी छोटी बहन है। बहुत साल से मेरा सपना था कि गीता बेन की नवरात्रि इस बम्बई शहर में हो। इस बार माता रानी के आशीर्वाद से वो सपना पूरा होने जा रहा है। मुंबई में रहने वाले तमाम समाज के लोग को हम आमंत्रित करते हैं कि मुंबई की नंबर वन नवरात्रि का इनाम इस बार गीता बेन के नाम होने वाला है। और जब से हमने ये अनाउंसमेंट किया कि गीता बेन की नवरात्रि इस मुंबई में होने वाली है, पूरे बम्बई भर से इतने फ़ोन आ रहे हैं, हर समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही साथ और सहकार पूरे कार्यक्रम में मुंबई वासियों का रहे। गीता बहन आपसे जानना चाहूँगा, मुंबई की जो नवरात्रि है वो अलग तरह की नवरात्रि होती है और इस बार जो है जैसे मूर्ति भाई ने कहा कि अलग तरह की नवरात्रि, देसी नवरात्रि, आपकी तरफ से क्या तैयारियाँ होने वाली है इस साल के लिए, अगर कुछ बताया आप उसको? मुंबई की नवरात्रि वैसे तो मुझे तो लगता है नवरात्रि ऐसी सिंपल ही होती है नवरात्रि, क्योंकि ज़्यादातर अभी मैंने देखा कि बॉलीवुड के गाने बहुत आगे हैं, तो जब हम भजन का प्रोग्राम रखते हैं अपने घर पे, किसी भी प्रोग्राम रखते हैं, तो हम सिर्फ भजन या संस्कृति के गीत सुनते हैं। तो हमने ये ध्यान में रखा है कि 9 दिन तक हम माता जी की आराधना करेंगे। तो भारत एक संस्कृति का देश है, भारत के लोग अपनी संस्कृति को बहुत मानते हैं, तो हमारी नवरात्रि में संस्कृति को ध्यान रखा जाएगा। हम जितने भी लोग हैं सब, मैं खुद ट्रेडिशन में होगी और मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी खेलैया हो सब खेलने आए, तो वो भी ट्रेडिशन में आए। और मुंबई की नवरात्रि कुछ अलग रही है, पर इस बार की ये नवरात्रि गुजरात, मुंबई और पूरे हिंदुस्तान की अलग नवरात्रि। गीता जी, मुंबई में ऑलरेडी 11 गरबे बड़े हो रहे हैं, जिसमें फाल्गुनी पाठक हैं, किंजल दवे जैसे बड़े गायक हैं, उनके सामने आप आकर्षित कैसे करोगे यहाँ मुंबई की और जो अंधेरी की विशेषकर जनता है? देखिए, अगर हम सारे कलाकार एक साथ हो गए तो सबसे ज़्यादा मैं ही दिखूंगी आपको, ये मैं दिख रही हूँ। वैसे भी मेरा ट्रेडिशनल लुक अलग है, मैं अपनी संस्कृति को ज़्यादा मानती हूँ, चाहे महीने में 10 प्रोग्राम कम होंगे तो चलेगा, आप अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी है। तो जितने भी कलाकार हैं वो सब मेरे सीनियर हैं, मैं सबको मानती हूँ। और सबकी अलग अलग गाने गाने की अलग अलग रीत होती है, जैसे 5 उंगलियाँ हैं तो एक समान नहीं है, तो जो भी कलाकार है उतनी अपनी एक खासियत होती है, तो मेरी भी अपनी एक अलग खासियत है। आपसे एक सवाल है, ये जो टाइमिंग का समस्या चल रहा है, सरकार से किस तरह से आप अनुरोध करेंगे टाइम बढ़ा के मिले ताकि जनता को खेलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल पाए? इस महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हम सबके नेता देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 4 दिन 12 बजे तक की छूट इस नवरात्रि को दी जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बात सुनेंगे और 4 दिन 12 बजे तक करा के ले लें। गानों की बात करें, कौन से गाने होंगे आपके, जैसे मुंबई मराठी में यहाँ पे, तो मराठी गाने भी होंगे आपके? बिल्कुल, मैं मराठी सीख लूँगी, तब तक मेरे पास तो अभी 1 महीना बाकी है, तो मैं मराठी भी सीख लूँगी, राजस्थान भी तो करती हूँ, एमपी में भी प्रोग्राम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि माता जी का नाम आएगा तो उसमें कोई भाषा नहीं होती, सिर्फ माता जी की श्रद्धा होती है। गाने को लेकर एक और खुलासा मैं चाहता हूँ, जो गाने ट्रेंडिंग में चल रहे थे फिलहाल बॉलीवुड के, बिल्कुल तो नवरात्र से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, क्या उस गाने को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा? बिल्कुल, उसका म्यूजिक सब युवाओं को बहुत पसंद है, जितने भी यंग जनरेशन है, तो हम उसका म्यूजिक लेंगे और जो लिरिक्स अच्छे होंगे बॉलीवुड के, ये जो अच्छे है उसको हम बिल्कुल लेंगे। मुझे सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, क्या परिवेश यानी जो परिधान है, जो कपड़े पहन के आएंगे, उस पर भी ये ध्यान रखा जाएगा कि परिवेश भी जो है संस्कृति को
जो हम पहनते हैं, बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। और इसमें जो खेलने आने वाले आते हैं खेलैया, जो हर साल खेलते हैं, उनको पता है कौन सा ड्रेस पहन के जाना चाहिए, और मुंबई की जनता समझदार है, वो ड्रेस में आते हैं। मुंबई महाराष्ट्र की बात करें जो है, कहीं ना कहीं जो काफी बड़े मंच होते हैं जो गरबा के, क्या इस मंच पे जो है आपके द्वारा किसी का टक्कर दिया जाए? नहीं, हम अपनी श्रद्धा और गरबा खेलने आए, किसी की टक्कर देने की बात नहीं है, हमें सिर्फ अपना अपनी श्रद्धा दिखानी है, अपना गरबा दिखाना है, लोगों को एंजॉय करना है। नवरात्रि में ऐसा नहीं होता कि किसी को टक्कर देनी है, हमें अपने मन की श्रद्धा यहाँ पर, क्योंकि जैसे गरबा खेलने आते तो वो ऐसा नहीं कहते कि मैं इसको टक्कर दूंगा, हमें अपनी श्रद्धा इसमें रजू करनी है, ना कि किसी के टक्कर देना, हमें अपना गरबा करना है। एंट्री पास अंधेरी के तमाम समाज को फ्री पास रखा गया है, पास हम जरूर देंगे लेकिन उनसे कोई पैसा या कुछ लिया नहीं जाएगा, बाकी जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए हमारी इवेंट कंपनी है वो तय करेगी क्या करें।